मॉर्निंग दोस्तों, राम राम सीताराम। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। तो चलिए, ये हमारे सूरज और सबकी सुबह सुबह ये जो रोने की आवाज़ है वो स्टार्ट हो चुकी है। अभी सुबह है, उनकी रोने की आवाज़ से ही स्टार्ट हुई। तो चलिए, अभी आई थिंक बजे हुए हैं 7:45। तो नीव भैया को उठाने में भी थोड़ी देरी है, तो थोड़ी बार देर के बाद आपको दिखाती हूँ। तो पहले ये थोड़ा नज़ारा देख लीजिए सुबह का। क्योंकि आज फ्री था तो ब्लॉग बनाने की ट्राई की है, बहुत तो नहीं मुझे आता, लेकिन थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ बाजरे की रोटी बन रही है। खाना है तो रोटी तो बनानी पड़ेगी। और आज ये पपैया बहुत मीठा है, देखो ये ऐसा पका हुआ है। लेकिन ज़्यादातर मोरे होते हैं पपैया, लेकिन ये बहुत मीठा है पपैया। चलो भूख लगी है, जो हो जाए तो ये रोटला अभी तो आता हो चुका है, हो जाए तो खा लेते हैं। बहुत भूख लगी है, भूख लगी है। पहले आपको चाय की भूख लगी थी और फिर आपको रोटले की भूख लगी है। घर पे होते हैं तो पता नहीं क्या क्या भूख लगती रहती है आपको। अभी अड़दिया खाने का भी मन कर गया, थोड़ी देर के बाद कुछ मीठा हो जाए इसलिए। लेकिन आज जो इंसान कभी ब्लॉग में भी नहीं आता वो आज ब्लॉग बना रहा है। हमारे व्यूअर्स भी देख के बेचारे गिर ना जाए। कभी कभी तो ट्राई करनी पड़ेगी। क्या ट्राई करने की, अच्छा किया बनाया तो थोड़ा मेरा बर्डन कम हो जाएगा, क्योंकि पूरा दिन मुझे काम करना होता है और फिर बाद में ये ब्लॉग भी बनाना रहता है। तो अच्छा है, बनाते रहिए, कीप इट अप। नीव का टाइम हो चुका है, चार से सूखने का। तो रंजीत भैया जा रहा है टेढ़ने के लिए, यहाँ बागा क्या होगा। देखो कितना सारा मोर आ चुका है, केरी होगी या खिर जाएगी, क्योंकि इतनी तो केरी नहीं होती, इतनी होगी तो आम बाग भी कट जाएगा। और ये खाने में काचे की तैयारी हो रही है, देखिए मूली मूली खाने की मजा आती है नींबू डाल के। देखो ये बहुत अच्छा है दाना, जो कि पहली बार लगाया है इसलिए तो बहुत बढ़िया है। इसकी हाइट भी बहुत हो चुकी है, अभी तो फूल आने शुरू हुए हैं और बहुत 2-2.5 फुट की हाइट हो चुकी है। अब जो फूल आ रहे हैं
अब इसमें दाना होने की शुरुआत हो जाएगी। जो मैं इसकी हाइट दिखा रहा हूँ, देखो ये इतना बड़ा हो चुका है। लगभग 2.5 फुट जैसा हो चुका है। ये 50 दिन का हो चुका है। इसमें 6 पानी दिए हैं और 1 बार दवा चाटी है। अब थोड़ी रुक के पानी देना पड़ेगा, लेकिन ये बड़े ही जा रहा है तो थोड़ा फूल हो जाएगा, फिर इसमें 1-2 पानी और आएगा। तो धनिया जो कि 90 दिन रहता है, 90 दिन के बाद इसकी कटाई होती है, तो 50 दिन तो हो गया है। और ये देखो थोड़ी सी जीवात भी है इसमें, तो दवा का स्प्रे करना पड़ेगा। तो कल करेंगे इसमें दवा की छटाई। अभी हमारे नीब भैया को ये मुंह से नहीं लेकिन हाथों से और डिसमिस से ये गन्ना फूल के दिया जा रहा है नई टेक्निक से। और नीब भैया को तो आज गन्ना मिल गया। अभी कुछ गिर गया है तो हमारे नीब भैया को लेना भी होता है खाते खाते। कितना ये एक नई तकनीक है। क्या तकनीक है? यानी कि जिसके पास दांत नहीं है ये वो टेक्निक अपना सकता है? हाँ, वो भी अपना सकता है। वैसे मैं तो ये दांत से भी निकाल लेता, लेकिन ये बहुत ही कड़क से, ज्यादा कड़क होने की वजह से। देखिए मैंने यहाँ पे गिरा दिया है, अभी इस उठाने का ये निकल गया। वाह, ये तो जोरदार निंजा टेक्निक हो गया। जो भी आपको खाना हो तो मैं तो खाता हूँ। आज कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही है दोपहर के टाइम में भी, क्योंकि ये जो कातरा बना हुआ था वो टूट चुका है, तो अभी उसी वजह से ठंड लग रही है। और ये देखो नीव सब का पीछा लेके बैठा है। अभी बापू को बोल रहा था। क्या बापू को बोल रहा था तुम? इसका पीसेस कर दो। किसका? गन्ने का। किस से करेंगे बापू? वाह, ये तलवार नहीं होके ये गन्ना फिरा रहा है। तलवार ऐसे नहीं फिराते, तलवार तो ऐसे फिराते। ये लाकड़ी है बीच में कपड़ने का, आपको नहीं जी भाई, आपको दिखेगा ही नहीं। ये दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं। पंखे की तरह ये सब चलता ही रहेगा। अभी बापों को नीव ने कुछ कामकाज के लिए भेज दिया है, ये गन्ने को काटने के लिए। वैसे छील तो ली है, लेकिन खाने के लिए भी दांत का इस्तेमाल नहीं करना है हमारे नीव भैया को। मेरा गन्ना मत खाओ, मेहनत मेरी और खा तुम रही हो। और थोड़ा भी नहीं खाने दे रहा, ये बच्चा कैसा है, अभी नहीं खाना मुझे। अभी बापा है वो सूढ़ी से नीव को ये गन्ने को फोल दे रहे हैं, यानी पीसेस हो रहे हैं गन्ने से। अभी ये दादा पोते का सब कुछ काम तो होता रहेगा। ये देखिए पीछे ये हमारा नीव भैया है ना, वो खा रहा है गन्ने को। देखिए छिप गया, मैंने बोला वे आ गया, तो खा रहा है। और बापू उन्हें सूढ़ी से वो सब कुछ ठीक कर करके पीसेस कर करके दे रहे हैं हमारे नीव भैया को, और खा रहे हैं। दोपहर के टाइम दोनों को सोना नहीं है। तो बस इसी के साथ आज का हमारा ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप विजय का बनाया हुआ व्लॉग आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है। देखो गायत्री भी जा रही है नीव के पास। तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।